वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अजय माकन ने गुरुवार को दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। तीनों नेताओं ने कहा कि हमारे खाते फ्रीज करवाकर फ्री फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थानों पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चुनावी बॉन्ड को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उससे देश की छवि को ठेस पहुंची।